नंबर वन पीएक्स, पीएक्स क्या होती है? वस्तु की कीमत। तो अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? बेचने वाले को फायदा होगा, बेचने वाले को फायदा होगा तो पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। कीमत घटेगी, पूर्ति घट जाएगी। इसका मतलब प्लस का संबंध होगा, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होगा, पॉजिटिव। नंबर दो, नेक्स्ट है आपका पीआर। पीआर क्या होती है? वस्तु की संबंधित, पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, यानी कि संबंधित वस्तु है। जैसे कि चाय और कॉफी, हमने मांग में पढ़े थे दो थी, प्रतिस्थापन पर पूरक। यहाँ पर चाय और कॉफी बोल सकते हो, प्रतिस्थापन भी हो पूरक भी हो, दोनों के साथ सेम रहेगा। तो अगर एक व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों बेचता है, और अगर कॉफी के प्राइस बढ़ जाए, कॉफी की कीमत बढ़ जाए, उसको कॉफी में ज्यादा फायदा होगा। तो अगर कॉफी की कीमत बढ़ी तो वो चाय की पूर्ति कम कर देगा, यानी कि ऐसे सबकी कम हो जाएगी। इसके बीच अगर कॉफी की कीमत घटी तो चाय की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या संबंध होगा? माइनस संबंध होगा, ऋणात्मक संबंध, ऋणात्मक संबंध होगा। ऐसे चलेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। नंबर थ्री, एनएफ। एनएफ क्या होती है? नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्मों की संख्या, फर्मों की संख्या। क्या होता है? यदि बेचने वाले ज्यादा होंगे, यदि बेचने वाले ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है पूर्ति भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब क्रेता ज्यादा हो गए तो पूर्ति ज्यादा होगी, और बेचने वाले अगर कम होंगे तो पूर्ति कम होगी। इसका मतलब यहाँ पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर फोर, नंबर फोर क्या था? पीएफपीएफ मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स, उत्पादन के कारकों की कीमत, उत्पादन के कारकों की कीमत। उत्पादन के कारकों की कीमत, देखो अगर कारक महंगे हो जाएंगे, अगर कारक महंगे हो गए, मान लो मैं चाय बनाता हूँ, कारक मतलब क्या होता है? कारक मतलब वो चीजें जो वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाती हैं। तो चाय बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तु लगेंगी? चीनी, चाय पत्ती, चाय की पत्ती लगेगी, और गैस लगेगी, पानी लगेगा, दूध लगेगा, इलायची लगेगी, लौंग लगेगी, वो अलग बात है, अदरक लगेगा। अगर इनमें से कुछ भी महंगा हो गया तो लागत बढ़ जाएगी ना, इसका मतलब फिर चाय की पूर्ति घट जाएगी, घट जाएगी। और अगर कारक सस्ते हो जाएंगे तो बढ़ जाएगी चाय की पूर्ति, लागत कम हो जाएगी, फायदा बढ़ जाएगा, चाय की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर माइनस का संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? नेगेटिव रिलेशन, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नंबर फाइव, नंबर फाइव होती है टी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी तकनीक, मतलब तकनीक। तो अगर तकनीक आपकी अच्छी है, बिल्कुल तकनीक आपकी अच्छी है, मतलब तकनीक हम बढ़ावा आया, तकनीक अच्छी हो गई, मैंने मान लो मैं नई मशीन लेकर आया हूँ या मैंने नए तरीकों का इस्तेमाल किया, तो मेरा उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। और अगर तकनीक हमारी आइडल है, बेकार है, तो पूर्ति भी कम होगी। इसका क्या संबंध हो जाएगा? धनात्मक संबंध। तो टी के साथ पॉजिटिव रिलेशन धनात्मक होता है। नंबर सिक्स, ईएक्स। सब्सक्राइब कर, ईएक्स क्या होती है? ईएक्स क्या होता है भैया? भविष्य में होने वाली, भविष्य में कीमत संभावना, कीमत संभावना है। अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है, मुझे पता है आलू कल से महंगा होने वाला है, यस सर, और मैं आलू बेचता हूँ, यानी कि मैं पूर्ति, मैं पूरा हूँ उसका, मैं बिकता हूँ उत्पादक, तो मैं क्या करूँगा? आज क्यों बेचू, कल ही बेचू ना, इसका मतलब आज की पूर्ति कम हो जाएगी, आज की पूर्ति। भविष्य में अगर दाम कम होने की संभावना हो तो मैं आज आलू बेच दूंगा, आज की पूर्ति बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संबंध, मतलब कि ऋणात्मक संबंध हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है जी, मतलब ऋणात्मक संबंध हो जाएगा। नंबर सेवन, जी जी मतलब, नंबर सेवन क्या होता है? जी जी मतलब अपने ग्राहक बनाना, अपने कस्टमर्स को बनाना। तो यदि फर्मों का उद्देश्य बिक्री को बढ़ाना है, ग्राहकों को बनाना है, तो वो कीमत कम रखते हैं, लेकिन जब एक बार फर्म चल जाती है तो फिर धीरे धीरे वो लाभ कमाने की सोचते हैं।
तो अगर फर्मा को उद्देश्य से लाभ कमाना है तो कीमत ज्यादा रखी जाती है। तो फर्मा को उद्देश्य का मतलब है कि अगर फर्मा का उद्देश्य है बिक्री को बढ़ाना तो कीमत क्या होगी, कम होगी, यानी कि पीएक्स कम होगी, आपूर्ति करेगा वो। लेकिन अगर फर्मा का उद्देश्य है लाभ को बढ़ाना तो कीमत ज्यादा होगी और तब आपूर्ति करेगा, कीमत ज्यादा होगी और वो तब पूर्ति करेगा। पॉइंट नंबर 8 इसका जीपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सरकारी नीति। सरकारी नीति में क्या होता है, अगर सरकार कर लगाती है, अगर वो टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स लगाने से होगा क्या, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, बेचने वाले का फायदा कम हो जाएगा। जब फायदा कम हो जाएगा तो क्या करेगा, वस्तु को कम बेचेगा। इसका मतलब अगर कर लगा दिया तो पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आर्थिक सहायता दे दी, आर्थिक सहायता का मतलब है टैक्स में कुछ सब्सिडी छूट वगैरह दे दी, सब्सिडी, तो पूर्ति बढ़ जाएगी क्योंकि लागत कम हो जाएगी, सब्सिडी बोलते हैं उसको। ठीक है भैया, ये आपकी